गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज वापस मैं आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ। 1 मिनट 1 कंसेप्ट का ये टॉपिक है। तो शुरुआत करेंगे आज की अपनी क्लास को। तो अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तुरंत शेयर कर दीजिए। अगर आप न्यू है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन की। पहला सवाल देखिएगा बहुत ध्यान से। 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा ये बताना है। तो जब भी ऐसे सवाल होगा तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, 1:2:3:4 ये सारी संख्या है, इसका रेशो है, ये इसका योग कितना है, 10 है यहाँ पे, पर हमें दे रखा है इसका योग 10 नहीं 16 है। कितने गुणा पे, गुणा को निकालने के लिए हमेशा याद रखिए जो वैल्यू दी हुई है कितनी है 16, तो 16/10 कितना हो जाएगा, 16/10 हो जाएगा ये, क्लियर हुआ। 16/10 का मल्टीप्लाई करना है, तो सेम हमें निकालना क्या है, पहली और चौथी, पहली क्या है 1 में 16/10 का मल्टीप्लाई प्लस 4 × 16/10 का मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना हो गया वही 10, 16+64 6 और 4 10, 1 6 7 और 1 8 80/10 मतलब 8 कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको इस टाइप का रेशो दे रखा हो तो रेशो के आपके आगे इसको प्लस या मल्टीप्लाई जो भी करने को बोला हो वो करना, उसके बाद कुछ ना कुछ दे रखा हो कि भाई उसका आंसर वो निकालने के लिए कुछ वैल्यू दे रखी होगी, जैसे इसमें दे रखी है 16, क्लियर हो गया। अगला सवाल देते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अपने सामने, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक आपका कॉइन्स वाला क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कॉइन्स रिलेटेड एक सवाल। देखिएगा सवाल को देखते हैं क्या है। एक बक्से में 180 रुपए हैं, एक बक्सा है, मान लीजिए ये बक्सा है, इसमें टोटल 180 रुपए हैं, ठीक है। किस टाइप से हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, 25 और 50 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, 3 टाइप के सिक्के हैं, मतलब कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। तो 1 रुपया तो 1 रुपया हो ही गया, 50 पैसे का मतलब आधा रुपया हो गया, और 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपया हो गया, ठीक है, ये बात हो गई। अब क्या है इसके अंदर, अब क्या दे रखा है और इनकी संख्या कितनी है, मतलब 1 रुपए के सिक्के जो है वो 2 है, 50 पैसे कितने हैं 3 है और 25 पैसे कितने हैं 4 है, इस अनुपात में है ये तो आपकी कॉइन्स हो गए, इतने कॉइन्स है ये उसकी वैल्यू होगी, मतलब इतने नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो 1 रुपए के 2 सिक्के हुए, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 2 रुपए हो गए, क्या है 1 रुपए के 2 सिक्के, 2 को हो गए प्लस आधे 50 पैसे के 3 सिक्के, मतलब 1/2 × 3 हो गया प्लस 25 पैसे के 4 सिक्के, मतलब 1/4 × 4 हो गया, कितना आ गया 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7/2 3 + 2 = 3, 3 + 3 = 2, तो 6, 9/2 हो गया, टोटल कितना हो गया 9/2 हो गया, इतने रुपीज हो गए, ये इतने रुपीज हो गए, पर हमें दे रखा है इतने पैसे नहीं, कितने हैं 180 रुपए हैं, कितने हैं 180 रुपए हैं, कैसे निकालेंगे अभी जस्ट मैंने सिखाया आपको, कैसे करेंगे 180 अपॉन का 9 अपॉन का 2 मतलब 2/2, तो 9×2=18 कितने गुणा पे है 40 के गुणा पे है। तो हमें निकालना क्या, देखिए सवाल में लिखा गया है तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या याद करें, 50 पैसे सिक्के कितने हैं 3x, तो 3×40 कितना हो जाएगा 4×3=12 120, कितना हो जाएगा 120, तो 120 आपका सही आंसर, समझे इस बात को। ये आपके दे रखे थे कॉइन्स कौन कौन से हैं, ये दे रखे थे हर एक कॉइन के कितने सिक्के हैं, मतलब 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 हैं और 25 पैसे के 4 हो गए, तो मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू आ गई, क्या ये इनकी वैल्यू आ गई, टोटल वैल्यू ये हो गई, इसका वैल्यू आ गई, फिर प्लस किया तो 9/2 आ गए, लेकिन हमें दे रखा था कि 9/2 नहीं है रुपए इनकी वैल्यू, 180 रुपए है, तो क्या करेंगे गुणा करेंगे 40 से, तब आपकी वैल्यू ये आएगी, तो 40 का गुणा इसमें, 40 का इसमें, 40 का इसमें, पर निकालना कहते थे 50 पैसे का, तो हमने केवल इसमें किया और हमारा आंसर 120 रुपए आ गया, क्लियर हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि रेगुलरली मैं आपके सामने ऐसे ही 2 सवाल लेके आती हूँ, केवल कितने 2 सवाल लेके आई हूँ, आती हूँ 2 से 3 मिनट के अंदर ही क्लास चलती है आपकी, तो इस छोटी सी क्लास के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, टेक केयर, बाय बाय।